फाउंडेशन ऑफ ऑल द नेशंस हु वर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीरियसली फेल्ट द नीड टू क्रिएट सम सॉल्यूशन टू अवॉइड एनी सिचुएशन दैट कुड लीड टू अनदर वर्ल्ड वॉर. अब जो जो कंट्रीज वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थी, टर्की, जर्मनी, बल्गारिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो थे, इन लोग ने ये सब जो लोग ने वर्ल्ड वॉर को फेस किए, इन लोग को ये बात समझ में आई है, रियलाइज़ हुआ कि हम लोग को कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाना है इसका कि आगे चलकर कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बहुत नुकसान हुआ था, फाइनेंशियल और फिर फिजिकल, कितना सब कुछ था ना, मतलब इतने सोल्जर्स मारे गए, इतनी भुखमरी आ गई, कितना पैसा खर्च हुआ, सब बहुत सारी सिचुएशन ख़राब हो गई थी. तो ऐसे इन लोग ने सोचे जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी वर्ल्ड वॉर में कि ऐसी कोई हमारे पास कोई एक नेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है. अब कैसे ये डिस्प्यूट किसके किसके बीच था, स्टार्टिंग में सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में था, और वो इतनी बड़ी जो है वॉर में क्रिएट हो गया, चेंज हुआ. तो ऐसी कोई नेशन होनी चाहिए हमारे पास, कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि दो कंट्रीज़ के बीच के जो डिस्प्यूट है उसको पीसफुली सॉर्ट आउट कर सके, सॉल्व कर सके. तो देखो ये आइडिया किसके दिया, वुड्रो विल्सन, अंडरलाइन इट, वुड्रो विल्सन द अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज अ पीस लविंग एंड आइडियलिस्टिक लीडर. वुड्रो विल्सन कौन थे, एक पीस लविंग, जिनको बहुत सुकून अच्छा लगता था, और एक आइडियलिस्टिक लीडर थे, मतलब आइडियल थे वो. ही एम्फसाइज ऑन द नीड ऑफ हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीडिंग नेशंस फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस एंड एस्टैब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड. जैसे मैंने बताया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, उनका आइडिया था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास होनी चाहिए जो कि अगर कोई दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉर्ट आउट कर सके, वर्ल्ड में पीस को मेंटेन रख सके, और जितनी चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, बजाय जो है किसी से वॉर करने के और सबके. देन एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज लीग ऑफ नेशंस, अंडरलाइन इट, एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज लीग ऑफ नेशंस वॉज इस्टेब्लिश विद दिस ऑब्जेक्टिव. लीग ऑफ नेशंस इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर बनाई गई थी कि कोई भी एक दो कंट्री के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉर्ट आउट करेगी लीग ऑफ नेशन, पीसफुली बैठ कर बात करके, और जो है कोशिश करेगी कि वर्ल्ड में जो है पीस मेंटेन रहे. जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड अदर डिफीटेड नेशंस वर नॉट अलाउड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द लीग. जर्मनी, अब देखो वर्ल्ड वॉर वन में कौन सी जो है कौन सा ग्रुप हारा, सेंट्रल पावर वाला, जर्मनी किसमें था, जब हारे तभी तो ट्रीटी साइन हो गई ना. तो जो सेंट्रल पावर वाला ग्रुप था वो हार गया था, तो उसमें जितनी भी कंट्रीज थी, जर्मनी, टर्की, बल्गारिया, ये सब, इन लोग को लीग ऑफ नेशंस का मेंबर बनने की परमिशन नहीं थी. ठीक है, आप हारे हो इसलिए आप लीग ऑफ नेशन के मेंबर नहीं बन सकते हो. द कंसेप्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस वॉज डेलिब्रेटेड बाई अमेरिका एंड येट इट डिड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द लीग. मतलब ये जो लीग ऑफ नेशन का आइडिया था ये कहाँ से मिला था, अमेरिका से आया ना, वुड्रो विल्सन ने सोचा था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका जो था लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं था. ठीक है, याद रखना कि अमेरिका का आइडिया था, इवन अमेरिका जो है अलाइड नेशंस में था, जीते भी थे ये लोग, बट स्टिल अमेरिका लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं था. एज अ रिजल्ट इंग्लैंड एंड फ्रांस रिटेन देयर डोमिनेंस इन द लीग. जब अब कोई नहीं है तो इंग्लैंड और फ्रांस ने ही मिलकर लीग ऑफ नेशंस को मेंटेन किया, उस पर अपना रूल करने लगे. अब इंग्लैंड और फ्रांस अगर कर रहे तो इनडायरेक्टली लीग ऑफ नेशन जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये इनडायरेक्टली क्या हो गया कि किसी कोई कंट्री ही उस पर रूल करने लग गई, वरना अगर सारी कंट्रीज मिलकर बैठती तो वो समझ में आता है कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पीसफुली कुछ सोच रही है. जैसे अभी यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, इसमें कैसे सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इसमें क्या खाली दो ही कंट्रीज है, तो ये दो कंट्रीज खाली अगर इन्वॉल्व रहेगी तो फिर इसका मतलब तो है कि दो कंट्रीज रूल कर रही हैं एक्चुअली, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपके अंदर पीस क्रिएट करने वाली है. क्लियर, लीग ऑफ नेशन, हालांकि लीग ऑफ नेशन सक्सेस नहीं थी, बहुत जल्दी बनी और बहुत जल्दी डिसॉल्व ही हो गई. ठीक है, इतना कुछ खास चली नहीं. अब आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्लियर हुई समझ में आया, उसके बाद लोगों ने क्या किए, किसके क्यों हारोगे आप अगर वॉर करते हो तो वॉर में कब हारता है सामने वाला,
जब उसकी पावर कम हो जाती है, उसके सोल्जर्स मर जाते हैं, उसके पास पैसा नहीं होता है, खाने की कमी हो जाती है, सब ख़त्म हो जाता है, तो आप डेफिनेटली वॉर हारोगी। तो इससे बेटर कि आप हारो तो आप एक ट्रीटी साइन करके थोड़ा रुक जाओ। वही काम था बस। अब आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे। चलो जल्दी जल्दी देखो, हम लोग को आज बहुत सारा पढ़ने का है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव टू बी मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, ज़्यादा तबाही लाने वाली थी, ज़्यादा ख़तरनाक थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि इतना सब मर रहे हैं लोग, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बट फिर भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर उससे भी ज़्यादा ख़राब हुई और होगी भी ज़्यादा ख़राब। क्यों होगी? लोगों के पास एक्सपीरियंस उतना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, हथियार और ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, सोल्जर्स बढ़ गए हैं, सब तो ऑफकोर्स होगी ज़्यादा। इट वॉज सर्टेनली मोर एक्सटेंसिव दैन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स वॉरफेयर वॉज टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस। मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अच्छी तो थी, मतलब अच्छी थी मतलब इन द नेगेटिव वे कि उससे ज़्यादा ख़तरनाक हुई। और क्यों हुई? इसका वॉरफेयर यानी कि वॉर करने की जो टैक्टिक्स होती हैं, हथियार का इस्तेमाल, उसकी लड़ाई और जो स्ट्रेटजीज होती है, सब जो थे ये और ज़्यादा डेवलप थे। पिछली बार आप लड़े हो कि अभी अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जाते हो किसी से लड़ने, अभी मान लो कि एग्जांपल ले लो कि आपकी क्लास में दो टॉपर हैं, हाँ दो टॉपर हैं, अब आप जो है फर्स्ट टाइम आप लोग मिले हो, ठीक है, अभी नया नया कॉलेज खुला है आपका और आप लोग टेंथ का एग्ज़ाम देकर आए हो और अभी बस नया नया एकदम हुआ है, आपको नहीं पता कि वो टॉपर है ना उसको पता है कि आप टॉपर हो, ठीक है। लेकिन जो है बाद में आप दोनों को ये बात ऐसे रूमर्स मिली कि हाँ वो टॉपर है, वो टॉपर है, तो आप दोनों क्या चाहोगे कि हाँ मैं जो है इस साल क्लास में टॉप करूँ ताकि मेरी पोजीशन बनी रहे, दूसरी वाली भी यही चाहेगी, दोनों यही चाहोगे ना कि हम टॉपर बने रहें। बट एक बार आप लोग जब एग्ज़ाम दे लोगे है ना, उसके बाद आप लोग के मार्क्स आ जाएंगे, तो मान लो कि एक का थोड़ा कम आया दूसरी का ज़्यादा आ गया, तो जो दूसरी है जिसका ज़्यादा आया है उसको ये बात जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना कि मतलब मेरा ज़्यादा आया, वो तो खुश हो जाएगी। लेकिन जिसका कम आया है उसको तो ये चीज़ हर्ट करेगी ना, क्योंकि वो हमेशा से टॉपर है और अब वो सेकंड आ गई, तो वो ये देखने की कोशिश करेगी ना कि ऐसा क्या था उसके पास जो मेरे पास नहीं था। एग्जैक्टली आप यही सोचोगे ना कि मैं उसकी जो वो स्ट्रैटेजीज पढ़ने में अपनी अप्लाई कर रही है, मैं भी उसी को अप्लाई करूँ ताकि जो है मैं आगे पढ़ सकूँ, उससे आगे जा सकूँ। सेम सिचुएशन यही थी वॉर दो कंट्रीज़ के बीच में, जो कंट्री हारी थी वो जीतने वाली कंट्री की वॉर स्ट्रैटेजीज को समझ रही थी। अब उसको वॉर स्ट्रेटजीज समझ में आ गए तो वो नेक्स्ट टाइम कुछ अलग एडवांस करेगा ना ताकि उनसे जीत सके, समझ में आया? अभी इसके लिए ये सब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब टाइम आया तो स्ट्रेटजीज और हर चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी। क्लियर? एनी डाउट? अब आते हैं कॉजेज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हो गई? द लीग ऑफ नेशंस इंटेंडेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेशंस। लीग ऑफ नेशन ने क्या किया? कोशिश की कि जो बाकी नेशंस है, जो कंट्रीज है, उनमें वॉर वगैरह ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सब पीसफुली सॉल्व किए जाएं। बट क्या हुआ? द नाजीज अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर ग्रैब द पावर इन जर्मनी। क्या हुआ? लीग ऑफ नेशन तो कोशिश कर रही है कि दोनों सब कंट्रीज पीसफुली रहें, बट तभी क्या हुआ, जर्मनी में कौन आया? हिटलर। इसको तो मुझे नहीं लगता इंट्रोड्यूस करने की मुझे ज़रूरत है, सब जानते हैं। कौन बोला प्यारा प्यारा? वेरी गुड, तुमको भी बताती हूँ कितना प्यारा था। तो देखो क्या हुआ, जर्मनी में हिटलर आ गया। इसकी इन लोगों ने जो, अब देखो हर कंट्री की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, कोई मोनार्की रहती है, कोई डेमोक्रेसी होती है। जर्मनी जो था उस टाइम नाजी था, बताती हूँ ना, नाजीज़म। नाजीज़म नहीं पता? थोड़ा सा आगे पढ़ लो फिर, अभी है नाजीज़म, पढ़ाती हूँ। नहीं, नाज की बहन बहन नहीं है ये, बड़ा ख़तरनाक है। चलो, हिटलर बिगन टू एस्केलेट जर्मनीज मिलिट्री पावर सो एज टू एवेंज द डिमेनिंग कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन जर्मनी बाय द वर्साइल्स ट्रीटी। देखो क्या किया हिटलर ने, एस्केलेट करना शुरू किया। एस्केलेट करना मतलब और ज़्यादा पावरफुल करना शुरू कर दिया, मोर स्ट्रॉन्गर। किसको? जर्मनी के मिलिट्री को। किस लिए? एज टू एवेंज, एवेंज यानी पनिश करना किसी को। एज टू एवेंज द डिमेनिंग कंडीशंस। डिमेनिंग यानी कि जब आपका लोअर स्टेटस होता है तो आपको जो उस लोअर स्टेटस की वजह से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे अगर
कास्ट सिस्टम देखते हैं तो जो शूद्रास होते हैं उनको अपर क्लास के थ्रू कितना ज़्यादा सबको सहना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम होती है, तो उसी प्रॉब्लम को जो फेस किए हो आप उस, अभी जैसे अगर समझ लो कि मैं अगर लोअर क्लास हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं कोई लोअर क्लास की लड़की हूँ और मैं जो है कोई अपर क्लास ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया, बट मैं कुछ कर नहीं पाई बिकॉज मैं एक लोअर क्लास की लड़की हूँ। बट इन केस जब आगे टाइम बढ़ता है, मॉडर्नाइजेशन आ जाता है, तो मैं थोड़ा सा हाई फाई हो गई हूँ, मतलब पढ़ने लिखने लगी और बहुत मतलब मेरा हो गया, अब जो है मैं क्या करूँगी कि जो जब मैं लोअर थी उस टाइम पर मुझे जितना भी लोग ने मुझे परेशान किया, जितना टॉर्चर किया, मैं उसका रिवेंज लूँगी उनसे। उन वही था, सेम जर्मनी ने वही काम किया है। जर्मनी ने अपनी मिलिट्री पावर को क्यों बढ़ाया, जब वो लोग वर्ल्ड वॉर वन में हार गए थे तो ट्रीटी ऑफ वर्सायल्स के थ्रू उन पर जो कंडीशंस इम्पोज की गई थी, अब जाहिर सी बात है आप हारे हो तो आप पे अच्छी तो कंडीशन लगेगी नहीं, ऑफकोर्स बुरी ही लगेगी, तो उसी का बदला था ये, एक तरह से पनिशमेंट थी जर्मनी की तरफ से ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या जो उन्होंने सहा था वर्ल्ड वॉर वन के बाद, समझ में आया। तो जर्मनी क्यों उस टाइम इतना पावरफुल हो रहा था, जस्ट फॉर द पनिशमेंट, रिवेंज। ही फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मिलिट्री एज वेल एज नेवी, मिलिट्री की स्ट्रेंथ तो पावरफुल करना एज वेल एज और कौन सी, नेवी भी उतनी पावरफुल होनी चाहिए। मीनवाइल सोवियत रशिया अ कम्युनिस्ट नेशन वॉज बिकमिंग मोर पावरफुल, एक तरफ जर्मनी पावरफुल होता जा रहा है, दूसरी तरफ सोवियत रशिया, सोवियत यूनियन हम लोग बोलते हैं ना, यही है रशिया, एक तरफ जर्मनी पावरफुल हो रहा है, दूसरी तरफ रशिया की पावर बढ़ती जा रही है। इट मेड द नेशंस लाइक इंग्लैंड, अमेरिका एंड फ्रांस अनईजी, यानी कि जब इन लोगों की पावर्स बढ़ने लगी तो अब इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ये सब नेशन कैसे पीछे रहते, ये लोग भी तो अपनी पावर्स बढ़ाएंगे ना, क्योंकि इनको डर है ना कि जर्मनी इनको कॉन्कर कर लेगा, रशिया किसी को कॉन्कर कर लेगा, तो सब अपनी अपनी पावर बढ़ाने लगे फिर से ताकि बच सकें एक दूसरे से या एक दूसरे से लड़ सकें, दैट्स द रीज़न। सोवियत रशिया एंड इम्पीरियलिस्ट जर्मनी व्यूड ईच अदर एज आर्क एनिमीज, यानी कि जो सोवियत रशिया और जर्मनी थे ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल एक दुश्मन की तरह समझ लो, इनके बीच अब वॉर है वर्सेस, एक दूसरे को जो है आर्क एनिमी की तरह देखने लगे। आर्क एनिमी मतलब कैसे होता है कि आर्क मतलब ना एक बोलते ना घूम फिर कर एक आपका एक ही दुश्मन रहेगा हर तरफ से, आप चाहे जिससे भी लड़ो घूम फिर के आपका एक ही दुश्मन है, तो आर्क एनिमी बन गए थे दोनों एक दूसरे के, कि कहीं से भी वो कैसे भी लड़ेंगे बट उनका दुश्मन कौन रहेगा, जर्मनी का रशिया और रशिया का जर्मनी। कीपिंग दिस इन व्यू इंग्लैंड एंड फ्रांस इग्नोर जर्मनीज एडवांसेस थिंकिंग दैट इट विल कीप सोवियत रशियाज इंक्रीजिंग पावर अंडर कंट्रोल, मतलब कि अब जब ये सब हो रहा था तो जो इंग्लैंड फ्रांस ये सब जो कंट्रीज थी इन लोग ने क्या किए, एक गलती, और वो गलती क्या थी इनकी कि इन लोग ने जर्मनी का परफॉर्मेंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी क्या हुआ था, हार गया था, इन लोग उसी परफॉर्मेंस को ध्यान में रख कर जो है काम कर रहे थे कि इस बार भी जर्मनी इतना कुछ खास मतलब पावरफुल हो नहीं सकता, रशिया तो इतना पावरफुल हो ही रहा है तो रशिया जो है जर्मनी को अब आराम से हरा लेगा, यह सोचकर ये लोग एकदम बेखबर हो गए, जर्मनी को एकदम बोलते ना बच्चा समझ के ले रहे थे। देन क्या हुआ फिर देखो, अब अंडरलाइन इट, इन 1938 हिटलर वॉन द सुडेटेन प्रोविंस इन चेकोस्लोवाकिया, 1938 में क्या किया हिटलर ने, कौन सी प्रोविंस को जीत लिया, सुडेटेन प्रोविंस, कहाँ थी, चेकोस्लोवाकिया। जर्मनी ने एक बॉम्ब फोड़ दिया, शो ऑफ कर दिया ना जर्मनी ने कि भाई मुझे हल्के में मत लो, इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। देन विच वॉज पॉपुलेटेड इन मेजॉरिटी बाय पीपल ऑफ जर्मन ओरिजिन, मतलब कि जो सुडेटिन जो एरिया था जिसको जर्मनी ने कॉन्कर किया था 1938 में, ये एरिया में मेजॉरिटी कौन रहते थे, जर्मन्स रहते थे, जर्मन पीपल रहते थे, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जर्मन है तो वो जर्मनी के कंट्रोल में आ गए तो उनको नहीं प्रॉब्लम होगी, मेजॉरिटी उन्हीं की है ना। फिर क्या हुआ इन 1939, अगेन अंडरलाइन इट, इन 1939 ही अटैक पोलैंड, 1939 में कहाँ अटैक हुआ, देखो 38 में सुडेटिन पे अटैक किया, जस्ट नेक्स्ट ईयर 1939 में पोलैंड पर अटैक हो गया। एक्चुअली पोलैंड वॉज लुक अपॉन एज अ न्यूट्रल कंट्री बाय ऑल यूरोपियन नेशन, पोलैंड जो था वो क्या था,
न्यूट्रल था, ये भी किसी के साथ नहीं रहता था, अपना अपना वाला था इसका भी। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, इसको भी कॉन्कर कर लिया। इन स्पाइट ऑफ दिस हिटलर अटैक्ड एंड कॉन्कर्ड पोलैंड। इसी का फ़ायदा उठाकर, न्यूट्रल था ना तो इतना तो ज़्यादा किसी को लेकर सीरियस होगा नहीं, न्यूट्रल था तो इसी का फ़ायदा उठाकर जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड को कॉन्कर कर लिया। देन देयरफॉर इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट जर्मनी। इंग्लैंड भी तो वही काम करने की सोच रहा है ना। अभी जैसे समझ लो कि मान लो कि स्कूल में कोई कंपटीशन था, हाँ, और वो कंपटीशन में क्या हो रहा है कि दो लड़कियां हैं उस रोल के लिए। जैसे कोई ड्रामा कंपटीशन है, मान लो एक रोल है किसी कैरेक्टर का और उस रोल के लिए दो लड़कियां हैं और दोनों लड़कियां जो है परफेक्ट हैं उस रोल के लिए, बट टीचर ने पार्शलिटी करके जो है एक जो उसको ज़्यादा अच्छी लगती थी लड़की उसको दे दी रोल, तो जो दूसरी वाली है वो तो परेशान हो जाएगी ना कि मुझे क्यों नहीं मिला। तो वो क्या करेगी, वो कोई भी तरीके से कोशिश करेगी कि इसको हटाकर मुझे ले लिया जाए। तो वो जो अपनी तरफ से वो एफर्ट डाल रही है वही काम इंग्लैंड कर रहा है यहाँ पे। जर्मनी ने जब ले लिया न्यूट्रल कंट्री को तो इंग्लैंड एफर्ट डालने लगा कि भाई पोलैंड हमारा भी तो हो सकता है। क्लियर, एनी डाउट, कुछ कन्फ्यूजन है, अफजा क्या हुआ है, एनी डाउट? हाँ बोलो। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया, ठीक है। पोलैंड जो है वो एक्चुअली एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, और पोलैंड जो था न्यूट्रल था इन नेचर, मतलब वो किसी के साथ नहीं, वो अपने अपना वाला था। तो जो कंट्री न्यूट्रल रहती है उस पर जो है सबकी नज़र होती है, सबको चाहिए होती है न्यूट्रल कंट्री, क्योंकि वो तो अपने आपको लेकर इतना पावरफुल होता नहीं है। इंडिया भी तो पहले न्यूट्रल ही था ना, इंडिया थोड़ी ना किसी चीज़ को लेकर इतना सीरियस था, तभी तो कॉलोनीज बन गई उसमें, वरना अगर पावरफुल होता तो क्यों कॉलोनीज बना पाता कोई। वैसे ही जब पोलैंड न्यूट्रल था तो पोलैंड को जर्मनी ने फटाक से कॉन्कर कर लिया। जब जर्मनी ने कॉन्कर कर लिया तो इंग्लैंड ने भी देखा कि अरे पोलैंड भी तो था, इंग्लैंड भी बीच में आने लगा कि भाई पोलैंड हमारा भी तो है, इसलिए दोनों लड़ने लगे उसके लिए। समझ में आया अभी? ग्रेजुअली जर्मनी बिगन टू ग्रैब लैंड्स ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज इन बिट्स एंड पीसेस। अब जर्मनी क्या कर रहा था, यूरोप में जो भी छोटी मोटी लैंड जहाँ कहीं भी उसको मिल रही थी वो सब कॉन्कर करता चला जा रहा है। ऐसा सोच नहीं रहा कि हाँ ये कंट्री करनी है मुझे या ये सिटी, नहीं, कोई भी अगर छोटा सा भी एरिया दिखा जहाँ पर अभी इतने ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री नहीं है, कुछ नहीं है, फ़ौरन जो है वो कॉन्कर कर लेता जा रहा था। मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते अच्छे खासे एरिया पर जर्मनी का कंट्रोल हो चुका है। इट हैड ऑलरेडी वन पोलैंड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वॉर। मैंने पहले बताया ना एकदम स्टार्टिंग में वॉर के क्या हुआ, पोलैंड पे अटैक हुआ ना 1939 में, हुई है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। 39 से कब तक चली है, 45। तो सबसे पहले पोलैंड को कॉन्कर किया जर्मनी ने, क्लियर। देन एट द वेरी बिगनिंग ऑफ, हाँ, डेनमार्क सरेंडर टू जर्मनी। डेनमार्क ने देखा कि बाबा जर्मनी इतना ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है कि उसको जो एरिया मिल रहा है फटाफट कॉन्कर करते जा रहा है, तो डेनमार्क ने डायरेक्ट सरेंडर कर दिया कि मुझे कोई वॉर नहीं करनी है, मैं हाथ जोड़ूँ आपके, आप ले लो डेनमार्क। इन अ शॉर्ट टाइम जर्मनी कॉन्कर्ड हॉलैंड एंड बेल्जियम। ओह सॉरी, सो डेड नॉर्वे। नॉर्वे भी सेम वही सरेंडर कर दिया, ठीक है। इन अ शॉर्ट टाइम जर्मनी कॉन्कर्ड हॉलैंड एंड बेल्जियम। अब इसी शॉर्ट टाइम में क्या हुआ, जर्मनी ने और कौन सी कंट्रीज को कॉन्कर कर लिया, अरे तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है सब सॉर्ट आउट हो गया था ना, सब क्लियर हो गया था ना, लीग ऑफ नेशन वेशन बन गई थी, सब हो गया था, फिर से वापस सब शुरू हो गया। देखो अब ध्यान से सुनो, इधर सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, ये वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट की बात हो रही है, उससे पहले भी स्विट्जरलैंड पे भी अटैक हुआ है बट वो वर्ल्ड वॉर के पहले है, इसके लिए नहीं बता रही। फिर पोलैंड के बाद कहाँ आए, पोलैंड के बाद डेनमार्क ने सरेंडर कर दिया, देन फिर नॉर्वे, हाँ, फिर हॉलैंड एंड ये सब कॉन्कर हुए थे, ठीक है।
हाँ सब कॉन्कर्ड बाय जर्मनी. ओके क्लियर. देन एंड इट्स आर्मी मार्च टूवर्ड्स पेरिस. एक और कौन सा आ गया, पेरिस. इनडायरेक्टली कहाँ, फ्रांस. फ्रांस की कैपिटल है ना पेरिस. समझ में आया जर्मनी ने कौन कौन से एरिया को कॉन्कर किया. पोलैंड 1939 में स्टार्टिंग में एकदम, फिर उसके बाद लाइन से डेनमार्क ने सरेंडर कर दिया, नॉर्वे ने सरेंडर किया, इसको कॉन्कर किया, बेल्जियम कॉन्कर किया और पेरिस कॉन्कर किया. हाँ पेरिस हुआ तो मतलब इनडायरेक्टली फ्रांस हो गया ना, क्योंकि पेरिस जो है फ्रांस का कैपिटल है. तो अगर आपके हाथ में कैपिटल है तो मतलब कंट्री आपके हाथ में है. जर्मनी कॉन्कर्ड फ्रांस टू इन मे 1940. अंडरलाइन इट, इन मे 1940 इट अटैक्ड इंग्लैंड बाय असॉल्टिंग द ब्रिटिश प्लेटून्स प्रेजेंट एट डंकर्क इंग्लैंड. विद ग्रेट कॉशन मूव्ड आउट 2.5 lakh ऑफ इट्स सोल्जर फ्रॉम डंकर्क. यानी कि अभी ये सब चल रहा है, अभी जर्मनी के अगेंस्ट बार बार कौन वॉर कर रहा है, इंग्लैंड ना. जर्मनी जो भी न्यूट्रल कंट्री को लेता है सबसे पहले कौन आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है. तो जर्मनी ने क्या बोला कि अब जो है इंग्लैंड जो है इसी को हटा देते हैं. तो अब इंग्लैंड भी कोई कम तो था नहीं, ये भी पावरफुल था, इसके पास भी तो इतनी सारी कॉलोनीज थी ना उस टाइम पर. तो इंग्लैंड ने क्या किया, अब देखो जर्मनी ने इंग्लैंड से डायरेक्ट वॉर नहीं की. क्या किया यहाँ पर देखो लिखा है मे 1940 को, डेट याद रखना, मे 1940 में इट अटैक्ड इंग्लैंड बाय असॉल्टिंग द ब्रिटिश प्लेटून्स. मतलब कि इसने जो है ब्रिटिश प्लेटून्स जो थे, मतलब ब्रिटिशर्स के जो फौजी थे उन लोग पर अटैक किया. कहाँ पर, डंकर्क में. डंकर्क क्या होता है, जब ना देखो मैंने बताया था ना कि अभी जो क्रूसेड्स हुए थे उसके बाद जो है वो फोर्ट्स वगैरह बनाए जाने लगे थे सिटी के बीच में. वहाँ पर थोड़ी सी फौज होती थी जो कि कभी अगर कोई सिचुएशन आती है तो वो सिटी को मेंटेन करती थी, और अगर वॉर सिचुएशन होती तो वो आर्मीज जो है निकाली जाती थी बाहर, वॉर साइड पर भी ले जाई जाती थी. तो जर्मनी ने क्या किया, इंग्लैंड की जो वो डंकर्क वही था एक्चुअली, जो वो फौज का एक छोटा सा अमाउंट जो होता है वो आप कहीं रखते हो छुपा कर, उस पर अटैक कर दिया कि अगर हम लोग को इंग्लैंड से वॉर करनी भी पड़ी तो इंग्लैंड के पास कोई बैकअप नहीं बचेगा. क्योंकि अगर उनके जो छोटे छोटे सोल्जर, छोटे छोटे ग्रुप है सोल्जर्स के यहाँ वहाँ जो जमा करके रखे हैं, अगर वो सब एक साथ आ गए तो फौज बढ़ जाएगी. अगर वो सब ख़त्म कर दिए तो तुमको एक्चुअल में अभी किससे लड़ना है, जो इंग्लैंड की एक्चुअल मिलिट्री तुम्हारे सामने आएगी, है ना. तो इंग्लैंड के पास कोई बैकअप नहीं बचेगा, तो इन लोग ने पहले बैकअप को ही ख़त्म कर रहे हैं. तो डंकर्क पर अटैक किए, एकदम अचानक से अटैक था ये, हाँ मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, एकदम अचानक से अटैक था. और ऑफ कोर्स अचानक से अटैक है तो इंग्लैंड तो एकदम परेशान हो जाएगा, कोई ऐसी प्रिपरेशन तो थी नहीं. देन अब क्या हुआ कि जब ये जो डंकर्क पर अटैक था ये एक वार्निंग थी जर्मनी की तरफ से इंग्लैंड को कि मतलब मेरे रास्ते में मत आओ वरना इससे भी बुरा हो सकता है. डंकर्क पर अटैक करना कोई आम बात नहीं थी, सिटी के बीच में अटैक होता है. अब सिटी के बीच में अटैक मतलब सिविलियंस को भी तो, सिविलियंस की भी तो जान को खतरा हो गया ना. तो जर्मनी ने एक वार्निंग दी थी इंग्लैंड को, और ये वार्निंग का असर क्या हुआ कि इंग्लैंड ने बहुत जल्दी अपने 2 lakh सोल्जर, 2 lakh सोल्जर्स जो उसके डंकर्क्स में थे थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ 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 जहाँ भी छुपे हुए थे सबको एक ही बार में निकाल लिया कि अरे भाई अभी एक डंकर्क पर अटैक, सॉरी 2.5 lakh, सॉरी ओके 2.5 lakh सोल्जर्स जो डंकर्क में थे खाली सबको निकाल दिया. समझ में आया अभी, नहीं समझ में आया इरफाना. देखो जर्मनी ने क्या किया इंग्लैंड को एज अ वार्निंग, क्या किया मे 1940 को इंग्लैंड का एक डंकर्क था उस पर अटैक किया, वहाँ के सोल्जर्स को मार दिया. और ये एक्चुअली वार्निंग थी किसको, इंग्लैंड को, जर्मनी की तरफ से. हाँ ओ सॉरी ओके हाँ तो देखो क्या हुआ कि जब जर्मनी ने इंग्लैंड को वो डंकर्क पर अटैक करके एक वार्निंग दी थी कि आप जो अब जो है इंग्लैंड अगर जर्मनी के बीच में आया तो इससे भी कुछ बुरा जर्मनी करेगा, तो इसका असर इंग्लैंड पर क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो छोटे छोटे जितने भी डंकर्स थे
वहाँ पर जितने भी सोल्जर थे, टोटल सोल्जर 2.5 लाख के करीब थे, वो सारे 2.5 लाख सोल्जर उसने उसी टाइम निकाल दिए वहाँ से, कि अभी एक डंकर पे अगर अटैक हुआ है, कल को कोई और पे कर देंगे, ऐसे करते करते तो पूरे डंकर्स ख़त्म, मतलब बैकअप ख़त्म पूरा। तो ये एक इंग्लैंड, ये जर्मनी की एक बोलते ना चाल थी, एक स्ट्रैटेजी थी इंग्लैंड को थोड़ा नीचे गिराने की। देन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री दिस इंस्टेंस ऑफ बीटिंग अ सक्सेसफुल रिट्रीट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। हिस्ट्री में जो है ये एक एक्चुअली बोलते थे ना एक सक्सेसफुल बीटिंग थी, मतलब एकदम बोलते ना जहाँ पे जर्मनी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ और इंग्लैंड हार भी गया, क्योंकि उसको सिर्फ एक डंकर्क पर अटैक करना पड़ा, वहाँ कुछ खास नुकसान तो होगा नहीं, जर्मनी की फौज बहुत पावरफुल थी, इंग्लैंड ने फौरन जो है अपने सारे डंकर्क्स खाली करवा दिए। अगर डंकर्क्स खाली हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली कौन कंट्रोल करेगा अब डंकर्क्स को, वहाँ तो कोई रहा नहीं ना, अब तो वो खाली है तो वो किसका हो गया, जर्मनी का हो गया। तो ये जो है विदा मतलब बहुत कम नुकसान के साथ जो है एक सक्सेसफुल वॉर थी वर्ल्ड हिस्ट्री में। ड्यूरिंग दिस पीरियड, अंडरलाइन इट नाउ, विंस्टन चर्चिल हैड टेकन ओवर कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड एज द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेविल चैम्बरलेन्स रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट। अब जब ये सब हो रहा था इंग्लैंड के साथ, उस टाइम पे इंग्लैंड का प्रेसिडेंट कौन था, विंस्टन चर्चिल, ये इंग्लैंड का प्रेसिडेंट था उस टाइम पर जब इंग्लैंड ये सब फेस कर रहा था जर्मनी के साथ, समझ में आया। तो विंस्टन चर्चिल था इंग्लैंड का प्रेसिडेंट, और ये किसके साथ, ये प्राइम मिनिस्टर था, सॉरी मैं प्रेसिडेंट बोल रही हूँ, तुम लोग को मैं तुम लोग बोलते भी नहीं हूँ, मैं प्रेसिडेंट बोली जा रही हूँ। विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, और ये प्राइम मिनिस्टर किसके बाद बना था, नेविल चैम्बरलेन, इसने नेविल चैम्बरलेन ने रेजिग्नेशन दिया था, रिज़ाइन किया था पोस्ट से, तो विंस्टन चर्चिल बना था। और ये सब जो हो रहा है अभी इंग्लैंड में, ये सब विंस्टन चर्चिल के टाइम पर हो रहा है। क्लियर, एनी डाउट, एकदम क्लियर।